हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस कोर 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन TH ग्रीन के राजनीतिक दर्शन का वर्णन करें। या तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में चेंज करके दे सकता है कि ग्रीन के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको देख करके जाना है। और इसके पहले मैंने कोर 8 का, कोर 9 का और कोर 10 का वीडियो मैंने बना करके रख दिया आप लोगों के लिए, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। अब देखो, हम आज बात करने वाले हैं TH ग्रीन के राजनीतिक दर्शन का वर्णन करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन था कौन और इसका राजनीतिक विचार क्या था, क्योंकि 6 पेज का आंसर है, 6 पेज आपको रटना नहीं है। हम आपको पहले ही समझा देते कि इसमें पूरा छुपा हुआ क्या है, ठीक है, उसके बाद आपको हम पढ़ के सुना देंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, TH ग्रीन बोलो या तो इसको शॉर्टकट में ग्रीन बोलो, ये एक व्यक्ति थे। कौन सा व्यक्ति थे? पहले के विचारक लोग थे, ठीक है। और ये जो पहले के लोग थे ग्रीन, इसने क्या किया, राजनीतिक में कुछ अपना विचार दिया, पॉलिटिक्स में इसने अपना कुछ विचार दिया, तो उसी के बारे में लिखना है। आप सभी को पता है कि जितने सारे हम लोग पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं वो पहले वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति ने राजनीतिक में क्या विचार दिया। प्लेटो हो गया, तो ग्रीन हो गया, तो हीगल हो गया, ये सब बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति का नाम है जो पहले के राजनीतिक में इसने क्या क्या अपना विचार दिया और उससे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति थे TH ग्रीन, इसने राजनीतिक में अपना क्या विचार दिया, तो पहले आपको बता दें कि TH ग्रीन तो एक व्यक्ति थे जो पहले के विचारक थे और ये एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। आदर्शवादी का मतलब हो गया जो लोगों के लिए लड़े, लोगों के लिए लड़े कि लोगों का अधिकार क्या, लोगों को स्वतंत्र रूप से घूरना चाहिए, लोगों को अपने अगर कोई दिक्कत हो रहा है लोगों को तो उसको आवाज़ उठाने का अधिकार है, तो इसके प्रति जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं आदर्शवादी, ठीक है, आदर्श रूप में, ठीक है, जो लोगों को अपना जीने के लिए सिखाए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें करने के लिए सिखाए, ठीक है, लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए सिखाए, अगर लोगों पर कोई गलत कर रहा है तो उसके प्रति लड़ने के लिए सिखाए, तो ये हमारा आदर्शवाद के अंदर आएगा, ठीक है। तो ग्रीन ने भी आदर्शवाद का ही सिस्टम लागू किया था, ग्रीन भी आदर्शवादी व्यक्ति थे, ये भी वैसा ही चाहते थे, लोगों के ये सपोर्ट करते थे। कौन? TH ग्रीन। और एक यहाँ पे आपको एक और व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम है हीगल। हीगल भी एक पहले के विचारक थे। तो ग्रीन और हीगल आपस में विरोधी थे, ठीक है। ग्रीन जो था वो व्यक्तियों के सपोर्ट में थे। ग्रीन का मानना था कि अगर कोई हमारा देश में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो लोगों उसके प्रति आवाज़ उठाने का अधिकार है, लोगों के पास लोगों को लड़ने का अधिकार है अगर लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो। लेकिन हीगल ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है, कि लोग ना लड़े, ऐसा चाहते थे हीगल। लेकिन ग्रीन चाहते थे कि अगर लोगों पर कुछ गलत हो रहा है तो लोग लड़े। तो ग्रीन और हीगल आपस में एक दूसरे के क्या थे? विरोधी थे, ठीक है। तो हीगल यहाँ पे आपको मिलेगा, फिलहाल अभी यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ग्रीन के बारे में समझ के चलना है कि ग्रीन हमेशा लोगों के लिए लड़ रहे थे और ये आदर्शवादी थे। आदर्शवादी मतलब एक आदर्श के रूप में लड़ रहे थे, ठीक है। चलो तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे तो दो चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट में आपको उसका परिचय देना जरूरी है और क्वेश्चन के लास्ट में निष्कर्ष देना जरूरी है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या होता है आपको क्वेश्चन में पता चलेगा, ठीक है। देखो, हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले TH ग्रीन का परिचय, इसका हम कुछ परिचय जान लेते हैं, यहां से आपका एक नंबर का कुछ MCQ क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। TH ग्रीन का परिचय, तो ग्रीन बोलो चाहे TH ग्रीन बोलो, ग्रीन का जो जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1836 को इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अब जो ग्रीन था ना, वो एक पादरी परिवार में जन्म लिया था, ठीक है, यानी कि एक पादरी वर्ग में जन्म लिया था इसने, ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य योगदान क्या था, तो ये आदर्शवादी में इसका मुख्य योगदान क्या था, आदर्शवादी, ठीक है। ये हमेशा आदर्शवादी चाहते थे, लोगों के लिए आदर्श थे, ठीक है, हमेशा लोगों को ये समझाते सिखाते रहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए कि इसका जो मुख्य योगदान था ना, वो आदर्शवाद में उदारवाद का प्रवेश करना था, यानी कि देखो हर चीज़ों के इसने क्या चाहता था कि आदर्शवाद में प्रवेश हो जाए, आदर्शवाद में प्रवेश हो जाए, कोई भी चीज़ रहता था तो बस आदर्शवाद में प्रवेश हो जाए, क्योंकि इसको आदर्शवाद अच्छा लगता था, लोगों का सपोर्ट इसको अच्छा लगता था। तो देखो, आदर्शवाद में उदारवाद का प्रवेश कराना, ये हमेशा क्या चाहते थे कि जो उदारवाद है ना वो प्रवेश कर जाए, किस में? आदर्शवाद में। कोई भी अगर यानी कि कोई भी अगर विचार होता था, ठीक है, तो हमेशा चाहते थे कि वो विचार किस में प्रवेश कर जाए? आदर्शवाद में। तो इसी प्रकार से उदारवाद का क्या चाहते थे कि आदर्शवाद में क्या हो जाए? प्रवेश हो जाए, क्योंकि उदारवाद का कुछ अलग मतलब था, ठीक है। लेकिन आदर्शवाद का क्या मतलब है कि जो लोगों के लिए लड़े, जो लोगों को समझाए, तो हमेशा ये चाहते थे कि कोई भी चीज़, कोई भी विचार हो, बस वो किस में प्रवेश कर जाए? आदर्शवाद में प्रवेश कर जाए। तो ये भी ऐसा ही चाहते थे कि आदर्शवाद में कौन प्रवेश कर जाए, उदारवाद क्या कर जाए उसको में प्रवेश कर जाए, और उदारवाद भी क्या बन जाए? आदर्शवाद बन जाए, ठीक है।
इन्होंने क्या किया, उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया। इन्होंने क्या किया, उदारवाद का संशोधन किया, मतलब संशोधन का मतलब यह, उसको किस में चेंज कर दिया, आदर्शवाद में, उसको बदल दिया। उदारवाद को किस में बदल दिया, आदर्शवादी में, और उदारवाद को भी क्या बना दिया, आदर्शवाद बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसी संबंध में कुछ विचारक का मानना है। अब इसी सब चीज़ों को जब देखा तो कुछ और विचारक यानी कुछ और लोगों का ये मानना है कि उदारवाद का जो आदर्शवाद में प्रवेश हुआ है ना, यानी जो उदारवाद को किस में प्रवेश कराया गया, आदर्शवाद में, तो ये जो प्रवेश कराया गया ना, वो सबसे प्रभावी और सबसे सफल संशोधन कौन कराया, T.H. Green ने ही किया है। मतलब उदारवाद का जो आदर्शवाद में बदल दिया, उसमें से जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाया, सबसे ज़्यादा मेहनत किया है, वो किसने किया, T.H. Green ने ही किया है, ठीक है। यानी ये सबको आदर्शवाद बनाने के पीछे में लगे हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है कि T.H. Green ने ब्रिटिश उदारवाद में अपना विशाल योगदान दिया। देखो, T.H. Green सिर्फ छोटे लेवल पर काम नहीं किया, इसने ब्रिटिश उदारवाद यानी जो अंग्रेज थे उसके भी जो उदारवाद थे ना, उसमें भी अपना विशाल योगदान दिया है। इसने भी क्या किया, उसमें बड़ा अहम भूमिका निभाया, और उसके भी जो विचारक था उदारवाद, उसको किस में चेंज करने का प्रयास किया, उसने आदर्शवाद में चेंज करने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि इसने T.H. Green ने ब्रिटिश के जो उदारवाद थे उसमें भी अपना विशाल योगदान दिया। मतलब सब चीज़ में इसको जाना जरूरी था, और सब चीज़ में वो कैचअप बस यही चाहते थे कि आदर्शवाद हो जाए, ठीक है। और खास करके इन्होंने उदारवाद को आदर्शवाद में चेंज करना चाहते थे। इन्होंने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को और बेंथम के उपयोगितावाद को, यानी लॉक भी एक व्यक्ति है, पुराना विचारक थे, ठीक है, जॉन लॉक आप लोग जानते होंगे, ये लॉक भी क्या है, एक पहले के विचारक थे। तो लॉक एक सिद्धांत दिया था, अपना विचार दिया था, किसका विचार दिया था, प्राकृतिक अधिकार का विचार। और बेंथम भी एक विचारक था, पहले के व्यक्ति था, जिसने इसने कौन सा विचार दिया था, उपयोगितावाद का। तो ये दोनों सिद्धांत का इसने खंडन कर दिया, मतलब इसको खत्म कर दिया। कौन, T.H. Green ने कहा कि जो लॉक का प्राकृतिक अधिकार है और जो बेंथम का उपयोगितावाद, ये दोनों का दोनों बिल्कुल क्या है, खत्म है, मतलब ये दोनों अच्छा नहीं है, इसलिए इसका खंडन कर दिया, इसका विरोध कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। और उदारवाद का पुनः निर्माण किया, और उसके विचारक का यानी कि जो लॉक जो व्यक्ति थे, जो उसने अपना अधिकार दिया था, अपने विचार दिया था, और बेंथम ने जो अपना विचार दिया था, ये दोनों का विचार को इसने खत्म कर दिया, और फिर से उदारवाद का पुनः निर्माण किया। और फिर से इसने क्या किया, उदारवाद का पुनः निर्माण किया, मतलब इन लोगों का जो उदारवाद था उसको चेंज करके किस में कर दिया, आदर्शवाद में इसने पुनः निर्माण कर दिया, ठीक है। यानी उदारवाद का पुनः निर्माण का मतलब क्या हो गया, जो उधर इसके पहले भी तो उदारवाद को किस में चेंज करते थे, आदर्शवाद में, और यहाँ भी उदारवाद को किस में चेंज कर रहे हैं, आदर्शवाद में। तो उदारवाद का नया निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, उदारवाद का चेंज कर दिया आदर्शवाद में, तो उदारवाद का क्या हो गया, नया निर्माण हो गया। इसके साथ कल्याणकारी संकल्पना को बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ T.H. Green ने क्या किया, कल्याणकारी यानी कि लोगों के लिए कल्याणकारी का संकल्पना को क्या किया, आगे बढ़ाया, यानी लोगों के लिए मदद के लिए क्या किया, आगे उतरा। हमेशा ही चाहते थे लोगों का सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि ये क्या थे, कल्याणकारी संकल्पना को हमेशा बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, T.H. Green के राज की प्राकृतिक संबंधित विचार, यानी कि जो ग्रीन था, यानी जो पहले के जो विचारक था ग्रीन, इसने क्या अपना विचार दिया, तो इसने एक विचार दिया राज की प्राकृतिक, राज की प्रकृति, राज का मतलब होता है देश, ठीक है, राज का मतलब पॉलिटिकल सेंस में होता है देश। तो इसने देश की प्रकृति के बारे में बताया, जो देश का नेचर है उसके बारे में बताया। तो इसने क्या बताया उसके बारे में, सो हम लोग देखते हैं। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि ग्रीन के जो अनुसार, यानी कि जो T.H. Green है उसके अनुसार से राज का जो जन्म हुआ ना, जन्म तो मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ है। यानी कि इसका ये कहना है कि जो राज का जन्म हुआ, यानी कि जो देश का जन्म हुआ है, ठीक है, वो मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ, यानी कि मनुष्य के ज्ञान से हुआ है, ठीक है। मनुष्य ने जैसा चाहा है वैसा देश को जन्म दिया है, ठीक है। तो इसका कुल मिलाकर के ये कहना हो गया कि लोगों के जो मस्तिष्क है, लोगों का जो विचार है, उसके अनुसार से देश का जन्म होता है, राज का जन्म होता है, ठीक है। ग्रीन की विचारधारा को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि मानव चेतना उसे स्वतंत्रता होने को प्रेरित करती है। यानी कि जो मानव की चेतना है, यानी कि जो मानव की चेतना का मतलब क्या है, जो हमारे अंदर विचार है, वो हमेशा क्या करता है, हमेशा वो चाहता है हमेशा कि हम क्या हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। तो हमारे मन हमेशा चाहता है कि हम क्या हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। और स्वतंत्रता के लिए अधिकार का होना आवश्यक है, और हम स्वतंत्र तभी हो पाएंगे जब हमारे पास क्या रहेगा, अधिकार होगा। और अधिकार तभी हमारा हमें मिल सकता जब हमारा देश होगा। मतलब हमारा मन कहता है कि हम स्वतंत्र घूमें, और स्वतंत्र हम लोग तभी घूम सकते हैं जब मुझे अधिकार प्राप्त हो, और अधिकार हमें तभी मिलेगा जब हमारा कोई ना कोई देश के अंदर हम लोग बसे हों। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता की प्राप्ति कब होगा, जब अधिकार होगा, और अधिकार कब होगा, जब राज्य होगा, राज्य मतलब देश, ठीक है।
तो स्वतंत्रता की प्राप्ति किससे, अधिकार होना, और अधिकार किससे होगा आपके पास, राज जरूरी है, यानी कि राज होगा तभी अधिकार मिलेगा और अधिकार होगा तभी आप स्वतंत्र घूम पाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि राज का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। अब इसका ये पॉइंट आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया नीचे। राज का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा राज है यानी कि जो हमारा देश है, इसका जो आधार है ना, हमारा देश जो है ये, उसका आधार क्या, इच्छा है, यानी हमारा मन जो कहता है उसी के आधार पर हमारा देश टिका हुआ है, हमारे इच्छा के आधार पर हमारा देश टिका हुआ है, ठीक है, ना कि शक्ति के आधार पर। अगर शक्ति के आधार पर हमारा देश अगर चलता तो जो पुलिस होता है, जो सेना लोग होता है, बस उसी का देश होता है, हम जैसे कमजोर लोगों का नहीं होता। अगर शक्ति के बल पर आता तो जो लोग ज़्यादा बलवान है सिर्फ देश उसी का होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, वो इच्छा पर टिका हुआ है, हमारा मन पर टिका हुआ है, हम लोगों के अंदर का फीलिंग पर टिका हुआ है, ठीक है, ना कि शक्ति पर टिका हुआ है। नहीं तो फिर जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति होता बस उसी के लिए राज हो जाता, उसी के लिए देश हो जाता। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो राज यानी कि देश है, वो जो देश है उसका आधार क्या है, इच्छा है, हमारा मन का फीलिंग है, ना कि शक्ति है, ठीक है। नीचे देखो, ग्रीन के अनुसार राज और व्यक्ति दोनों ही देवी आत्मा का प्रतिनिधित्व रूप है। मतलब ग्रीन का ये कहना है कि राज यानी कि देश और व्यक्ति यानी कि आदमी दोनों ही किसका है, देवी आत्मा का प्रतिनिधि, यानी एक दूसरे का पूरक है दोनों, ठीक है। राज और शक्ति एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, ठीक है, देश और व्यक्ति, क्योंकि देश है तभी व्यक्ति है और व्यक्ति है तभी देश है। तो देश है तो उसमें व्यक्ति है, और व्यक्ति तभी होगा जब उसमें क्या होगा, देश, यानी कि देश और व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पर दोनों ही कभी कभी अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं, यानी कि भटक जाते हैं, ठीक है, कभी देश गलत करना स्टार्ट कर देता है तो कभी व्यक्ति गलत करना स्टार्ट कर देता है। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो कि दोनों कभी कभी क्या करते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जब राज अपने नैतिक रास्ते से दूर चला जाता है, राज मतलब देश, देश जब अपने रास्ते से ही हट जाएगा तो उसे यह अधिकार नहीं रहता कि वह व्यक्तियों से अपनी आज्ञा का पालन करा सके। मतलब देश हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, देश अपना रास्ता से भटक गया, तो क्या उसके पास ये अधिकार होता है कि वो लोगों का अपना आज्ञा का पालन करा सके। जब आप लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, जब हमारा देश हमारे लिए कुछ करेगा ही नहीं, तो क्या हम देश का बात मानेंगे, बिल्कुल उसका देश का पालन, जो देश का बात है उसका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या, राज का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, वही पॉइंट यहां पर उठ करके आया, ठीक है। बस वहां पर एक पॉइंट मैंने इसको लिखा था कि राज का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो दूसरा इसका जो विचार था ग्रीन का, इसने क्या कहा कि जो राज यानी देश है उसका आधार हमारा इच्छा पे टिका हुआ है, ना कि शक्ति पर। अब ये कैसे, सो देखो, इसे निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। जैसे पहला, यदि राज का आधार शक्ति होता यानी जो देश है वो किस पर टिका रहता, शक्ति पर टिका रहता, तो वह बहुत पहले, तो अगर वो मान लो शक्ति पर टिका रहता, देश हमारा अगर शक्ति पर टिका रहता, तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता। कैसे समाप्त हो गया होता, हमारा देश अगर शक्ति पर टिका हुआ रहता तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता, अभी तक ये चलता नहीं आता। क्यों, देखो, शक्ति राज की अस्थाई आधार नहीं हो सकती। इनका ये कहना है टी एच ग्रीन का कि जो राज है यानी देश है उसकी अस्थाई आधार शक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। अभी शक्ति क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि शक्ति अस्थाई तत्व, अस्थाई तत्व है शक्ति, क्योंकि हर इंसान के पास, हर देश के पास एक जैसा शक्ति कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति के पास अभी थोड़ा सा शक्ति है, तो हो सकता है बाद में और शक्ति हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, उसके पास हमेशा शक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है। शक्ति हमेशा अस्थाई तत्व है। अस्थाई तत्व का मतलब ये बदलता रहता है, ठीक है। जबकि राज तो निरंतर बना हुआ है, राज यानी कि देश तो हमेशा एक जैसा रहता है, ये तो बदलता नहीं है, लेकिन शक्ति कभी कम होते रहता है, कभी ज़्यादा होता रहता है। तो मान लो आज मेरे पास ज़्यादा शक्ति हो गया तो देश मेरा हो गया, कल होकर के किसी और के पास ज़्यादा शक्ति हो जाएगा तो देश उसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता कि आज देश उसका हो गया कल देश उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और हम ऐसा कह भी नहीं सकते कि देश जो टिका हुआ शक्ति पर टिका हुआ, ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा, ठीक है। देश अपने आप में एक अस्थाई तत्व है, यानी एक जैसा चलने वाला निरंतर हमारा एक तत्व है, देश है, ठीक है। जबकि शक्ति पर चलने वाला बिल्कुल ये देश हमारा नहीं होता है। राज एक अस्थाई तत्व है, अस्थाई मतलब हमेशा जो टिका रहता है, अस्थाई मतलब क्या, जो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। यानी देश जो हमारा है वो क्या है, एक अस्थाई तत्व है, जबकि शक्ति अस्थाई है, शक्ति हमेशा बदलते ही रहता है, ठीक है। आज किसी के पास ज़्यादा शक्ति है, कल किसी के पास कम हो सकता है, लेकिन राज एक बिल्कुल अस्थाई तत्व है, ये हमेशा बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या, यदि शक्ति को एक शक्ति को राज का आधार माना जाए, मान लेते हैं कि चलो ठीक है, शक्ति ही राज का आधार है, शक्ति पर ही राज यानी कि देश टिका हुआ, ठीक है। तो फिर प्रश्न यहाँ पे यही उठ रहा है कि जो सेना लोग है वो तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है,
पुलिस लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करती है? यानी अगर सेना सबसे ज़्यादा ताकतवर है और पुलिस सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो देश तो फिर इन्हीं लोगों के हो जाना चाहिए और देश में यही सब राज करना चाहिए, लेकिन फिर भी सेना लोगों को और पुलिस लोगों को भी देश का बात मानना पड़ता। आखिर क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि देश शक्तिमान वाले व्यक्ति का नहीं है, ठीक है, लोगों को सुनना पड़ेगा जो देश कहेगा वो, ठीक है। ये नहीं कि वो ताकतवर है तो वो देश में अपना अपना वर्चस्व चलाएगा, देश में वो जो कहेगा वो सब लोग मानेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। आपको देश का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा चाहे आप कितना ही बलवान क्यों ना हो। यदि राज्य का आधार शक्ति होता तो अंग्रेज भारत में ही बने रहते, क्योंकि उनके पास तो पर्याप्त शक्ति भी था। अगर मान लो अगर शक्ति के आधार पर हम अगर देश को छोड़ दें तो आज तो हमारा देश अंग्रेज लोग लूट के चल गए होते, क्योंकि उसके पास यहाँ से ज़्यादा शक्ति था। लेकिन फिर उन लोग कैसे चल गए? क्योंकि हमारा जो देश होता है, जो हमारा राज होता है, वो शक्ति पर बिल्कुल नहीं टिका हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा गया ग्रीन ने राज्य के कार्यों को निम्न सूची भी दी गई है। मतलब ग्रीन ने जो है वो राज्यों के कार्यों के बारे में, यानी राज यानी कि देश के कार्यों की निम्न सूची दी है। अब कौन कौन सा दिया है, यानी हमारे देश के कार्यों के बारे में क्या क्या बताया, यानी किसी भी देश में कौन कौन सा कार्य होना चाहिए, कौन कौन सा काम होना चाहिए। तो देखो, पहला शिक्षा की वृद्धि, यानी कि अगर कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, तो पहला शिक्षा की वृद्धि होना चाहिए, तभी वो देश टिक सकता है। तो ग्रीन के अनुसार से शिक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य को शिक्षालय खोलना चाहिए, यानी कि इसका कहना क्या है कि राज्य को शिक्षालय खोलना चाहिए, यानी कि स्कूल कॉलेज वगैरह खोलना चाहिए, शिक्षा का संस्था खोलना चाहिए ताकि वहाँ पे बच्चे पढ़ सके। ऐसा होने पर ही लोग अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर सकेंगे। अगर ऐसा होगा, शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो वो अपने अधिकारों के बारे में सही प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो वो अनपढ़ ही रह जाएंगे और अपना अधिकार से वो विचलित हो जाएंगे, अपना अधिकार से वो हट जाएंगे, अपना अधिकार को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मद निषेध, ये मद निषेध क्या है, ठीक है। देखो, मद निषेध का मतलब ये है कि ग्रीन मद निषेध का इतना समर्थक था कि उसने अपनी ओर से कॉफ़ी हाउस खोला था, जिसमें वह लोगों को मुफ्त कॉफ़ी पिलाता था, जिससे लोग शराब ना पिए। मद निषेध का मतलब ये था कि जो लोग दारू पीते थे, ठीक है, शराब पीते थे, ठीक है, यानी कि शराब जो लोग पीते थे ना, उसको हमेशा हटा देना चाहता था, और इसके लिए इसने कॉफ़ी हाउस फ्री में खोल दिया था। कौन? ग्रीन। कॉफ़ी हाउस का मतलब क्या है, जहाँ पे चाय फ्री में वो बांटते थे लोगों को, ताकि चाय क्या लोग पिए और दारू को छोड़ दे, यानी दारू मतलब शराब हो गया, ठीक है। हम अपना लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जो हम लोग ऑलरेडी हम लोग देहाती लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस टाइप में, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो ग्रीन हमेशा चाहते थे कि हम लोगों को फ्री में कॉफ़ी पिलाएं, ताकि कम से कम ये लोग शराब पीना छोड़ दे और एक अच्छा सा हमारा राज्य बने, बस ये चाहता था। सोचो, ग्रीन कितना अच्छा सा राज्य का निर्माण करना चाहता था, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, संपत्ति संबंधित कार्य, यानी संपत्ति के बारे में इसने क्या कहा। तो ग्रीन व्यक्ति को उसकी संपत्ति का उपभोग करने की आज्ञा देता है, यानी कि ग्रीन कहता है कि जितने भी लोगों के पास जितना अधिकार है, जितना उसके पास संपत्ति है, वो अपना संपत्ति का अपना प्रयोग कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी का संपत्ति है, गाड़ी है, तो आप गाड़ी पर घूम सकते हैं, आपके पास बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी पर घूम सकते हैं, आपके पास एरोप्लेन है तो एरोप्लेन घूम सकते हैं। मतलब आपके पास जो संपत्ति है, उस संपत्ति का आप उपभोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसने ये कहा। परंतु दरिद्रता के निवारण के लिए वह भूमि प्रथा पर राज्य के नियंत्रण के पक्ष में। मतलब वह क्या कहता है कि लोगों के पास इतना दरिद्रता रहता है कि वो लोग हमेशा भूमि के लिए लड़ते हैं, ठीक है। भूमि प्रथा मतलब इतना ज़मीन मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा करके लड़ते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल लोगों के सपोर्ट में नहीं है, ये हमेशा राज्य के सपोर्ट में है। यानी ये कहता है कि राज्य का नियंत्रण होता है, यानी भूमि जितना वो लोगों का नियंत्रण नहीं है, ज़मीन पर लोगों का अधिकार नहीं है, जितने सारा ज़मीन है उस पर राज का अधिकार है, मतलब देश का अधिकार है। देश अगर चाहेगा तो जमीन ले सकता है, नहीं तो छोड़ सकता है, क्योंकि अगर लोगों को मिलता है तो लोगों क्या करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए आपके पास जितना सारा संपत्ति है उसका प्रयोग कीजिए, लेकिन जो भूमि है, जमीन है, उस पर किसका अधिकार है, किसका नियंत्रण है, राज का नियंत्रण, यानी कि देश का नियंत्रण है, ठीक है। फोर पॉइंट क्या है, अन्य सुधारात्मक कार्य, यानी इसके अलावा और भी कुछ सुधारक कार्य किया है, ठीक है। ग्रीन ने राज्य को सुधार संबंधित कार्य करने के लिए करने को भी कहा है, ठीक है। यानी इसने ग्रीन ने क्या कहा कि राज्य को सुधारने के लिए और भी कुछ काम किया जाए। ग्रीन ने राज्य को चिकित्सालय की स्थापना भी की सलाह दिया, ताकि लोग अगर बीमार पड़ जाए तो मेडिकल वगैरह खुले। चिकित्सालय मतलब क्या, अगर हम लोग कुछ बीमारी वगैरह हो जाते हैं तो हम लोग दिखाते हैं, ये हमारे चिकित्सालय के यानी डॉक्टर से संबंधित जितने भी सारे कार्य होता है वो चिकित्सालय के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमेशा चाहते थे कि चिकित्सालय खोले, हमारा जो राज है वो बढ़े, लोग उसके जो लोग बीमारी का शिकार होते हैं उससे बचे, तो ये और भी सुधार करने का प्रयास करते थे, ठीक है।
अब देखो राज का विरोध करने का अधिकार, अब यहाँ पे क्या करता है, ग्रीन लोगों को ये सिखाता है कि अगर आप पर कुछ गलत हो रहा है, लोग अभी तक ग्रीन ने ये बताया कि राज क्या है, देश क्या है, नहीं है, अब बताएगा कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, देश का विरोध कर सकते हैं। जैसे हम लोग को अगर कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकलता है, कोई सरकार गलत करती है, तो हम लोग विरोध कैसे करते हैं, तो ये विरोध हम लोग करने के लिए सीखे कहाँ से, तो यही सब विचारों का देन है जिसकी वजह से आज हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो राज का विरोध करने का अधिकार, यानी कि इसने जो ग्रीन था वो राज यानी देश का विरोध करने का भी अधिकार बताया। इसने क्या बताया, तो ग्रीन का मत है कि राज का उद्देश्य का अधिकतम कल्याण करना है, यानी कि राज का उद्देश्य क्या है, देश का उद्देश्य क्या है, कि ये हमेशा लोगों का क्या करे, कल्याण करे। और जब राज अपने उद्देश्य में विफल हो जाता है, यानी कि ये लोगों का सपोर्ट नहीं कर पाता, अपने काम से विफल हो जाता है, हार जाता है, अथवा वह समान इच्छा से दूर चला जाता है, लोगों का इच्छा को पूरा नहीं करता है, तो ग्रीन के अनुसार व्यक्ति राज की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है, यानी कि राज की बातों को नहीं मान सकता है। परंतु वह इस अधिकार को कुछ शर्तों के साथ जोड़ देता है, लेकिन ये इसका अधिकार है ना जो कुछ शर्त के साथ जोड़ता है, वो शर्त क्या है, प्रथम शर्त तो यह है कि इस आज्ञा के उल्लंघन का उद्देश्य निजी स्वार्थ ना होकर राज का सुधार होना चाहिए। मतलब इसका यह कहना है कि अगर आप सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, राज्य पर आप दबाव डाल रहे हैं, तो इसका उद्देश्य सिर्फ एक दो लोगों को फायदा होने के लिए नहीं डालना है सरकार पर दबाव, सरकार पर दबाव इसलिए डालना ताकि सार्वजनिक सुधार हो, यानी सभी के लिए सुधार हो। जो ऐसा काम के लिए दबाव डालना सरकार पर, ऐसा काम के लिए विरोध करना है जो सभी के लिए हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके घर में एक चापाकल के लिए आपको क्या कर रहे हैं, सरकार पर विरोध कर रहे हैं, ऐसा आपको सरकार पर विरोध करना ताकि सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों का फायदेमंद हो, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या कहा, जब राज्य में स्वतंत्र भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाए तथा सार्वजनिक हित की प्राप्ति असंभव हो जाए तो सार्वजनिक हित में राज्य का विरोध किया जा सकता है। इसने यह कहा कि अगर राज्य में क्या हो जाए, भ्रष्टाचार फैल जाए और जो सार्वजनिक हित आने की जो लोगों का हित है सभी के लिए वो काम ना किया जाए तो निश्चित तौर पर राज्य का विरोध किया जाना चाहिए। इस प्रकार ग्रीन यह कहता है कि कुछ न्यायपूर्ण स्थितियों में व्यक्ति तो राज की आज्ञा का विरोध कर सकता है ना। इस प्रकार से ग्रीन ने क्या कहा कि कुछ ऐसे कंडीशन आ सकते हैं जिसमें लोग उसका विरोध कर सकते हैं। ग्रीन का यह मत हीगल के मत के विपरीत है। हीगल ऐसा नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन ग्रीन ऐसा चाहता था कि अगर गलत हो रहा है तो राज के प्रति विरोध कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रीन का जो विचार था वो हीगल से अलग था। हीगल ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है, तो और ग्रीन ऐसा चाहते थे, तो ग्रीन का जो विचार वो बिल्कुल हीगल से क्या है, अलग है। अब देखो राज का विरोध करने पर रोक, अभी इसके पहले क्या बताया कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो राज पर आप लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन इसने ये भी कहा कि आप हर बार राज पर विरोध नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी कंडीशन है जिस कंडीशन में आपको राज अगर गलत भी कर रहा है तब भी आपको क्या करना है, विरोध नहीं करना है। वो कौन सा कंडीशन है सो देखो, हो सकता है कि राज आप ही के लिए कर रहा है और आपको गलत लगे तो क्या आप विरोध करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसने ये कहा कि ग्रीन ने राज का विरोध करने का भले ही अधिकार दिया, लेकिन कुछ अधिकारों पर विरोध करने के लिए भी रोक भी लगा दिया कि कुछ ऐसा भी अगर गलत काम करता है राज तो उस पर आप उस पर क्या कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं। वो कौन सा काम है सो देखो, व्यक्ति को राज का विरोध करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सभी अधिकारों का स्रोत राज है। इसने ये कहा कि व्यक्ति को राज का विरोध करने का अधिकार नहीं है, मतलब कोई भी एक व्यक्ति को राज का विरोध करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सारा अधिकार कहाँ पे छुपा हुआ रहता है, राज में ही छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अगर सारे लोग हम लोग मिल करके विरोध करें तो चलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर विरोध कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, व्यक्ति को स्वतंत्रता के नाम पर भी विरोध करने का अधिकार नहीं है। मान लो आप लोग ये नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्रता अधिकार हम विरोध करेंगे, क्यों सो देखो, क्योंकि कभी कभी राज्य क्या करता है, विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग कंडीशन में लोगों की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकता है। क्यों रोक लगा सकता है, हो सकता है कि कुछ ऐसा कंडीशन है, मान लो कि अभी पिछले बार लॉकडाउन आया था तो वो आपके ही भले के लिए आपको बोला गया था घर में ही रहना है, तो क्या बोलोगे कि हम मेरा स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, क्या मुझे अधिकार नहीं बाहर घूमने का, तो वो आपके अधिकार को रोक रहा था तो वो तो अच्छा कर रहा था, तो उस पर आपको विरोध करने का अधिकार नहीं है। कुछ ऐसा परिस्थिति है जो आपके स्वतंत्रता पर भी राज चाहे तो रोक लगा सकता है। तीसरा, जिन देशों में संवैधानिक शासन तंत्र है, यानी जिस भी देश में संविधान है वहाँ पर अथासंभव बुरी विधियों का विरोध संवैधानिक उपायों द्वारा ही करना चाहिए। मतलब इसने ये कहा है जहाँ पर संविधान है वहाँ पर हम लोग जो भी विरोध करेंगे वो संवैधानिक तरीके से ही करेंगे, है ना, संवैधानिक उपायों द्वारा ही करना चाहिए, यानी संविधान जिस प्रकार से हमें अधिकार दिया है उसी प्रकार से हमें विरोध करना चाहिए। जहाँ पे संविधान है वहाँ पे एक नियम कानून से ही चलना चाहिए और उसी के तरीका से विरोध भी करना चाहिए। अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब होता है आप लोगों ने ऊपर में क्या पढ़ा,
आपने पूरा क्या पढ़ा 6 पेज में उसको आपको 4 से 5 लाइन में बताना है। तो उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर यानी कि ऊपर लिखे गए बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन था ना वह हीगल के विरुद्ध था और उसने अपने उग्रवादी प्रभाव के कारण व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान किया। उग्रवादी प्रभाव के कारण मतलब उग्रवादी को किस में चेंज करना चाहते थे, ये आदर्शवाद में। तो उग्रवादी के प्रभाव के कारण ये किससे प्रभावित हो गए थे, उग्रवाद को, उग्रवाद से ये प्रभावित हो चुके थे और इसके कारण व्यक्ति को राज का विरोध करने का इसने क्या दे दिया, अधिकार प्रदान कर दिया कि आप लोग चाह सकते हैं तो राज का विरोध कर सकते हैं अगर आप पे गलत हो रहा है तो। अब अगला कौन सा वीडियो आपको चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।